ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 640 640 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 12 अध्याय 8 मार्कंडेय ऋषि द्वारा नर नारायण की स्तुति, इसके बारे में श्रवण किया था। किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की, अपनी शक्ति से कामदेव को और उनके साथियों को हराया, नर तथा नारायण रूप में उपस्थित श्री हरि की स्तुति की है। क्योंकि शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया है कि मार्कंडेय ऋषि की ऐसी असामान्य आयु कैसे संभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा के 2 दिनों तक जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने प्रलय के सागर में अकेले बहते हुए बरगद के पत्ते पर लेटे एक अद्भुत शिशु पुरुष को देखा था। तो वो सूत गोस्वामी जी से इसके बारे में बतलाने का अनुरोध करते हैं और वहां पर सूत गोस्वामी जी ने बतलाया कि अपने पिता से ब्राह्मण दीक्षा पाकर मार्कंडेय ऋषि ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत रखते हुए 6 मन्वंतर तक भगवान हरि की पूजा की थी। अपनी तपस्या के द्वारा कामदेव को उन्होंने जीता था और तब मार्कंडेय पर कृपा करते हुए नर नारायण के रूप में भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए थे। वहां पर जहां अध्याय समाप्त हुआ, नर नारायण ऋषि के समक्ष मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना थी कि भगवान आप की माया से जो आपको जानने के प्रयास में तपस्यारत सामान्य प्राणियों से ऊपर उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी आपकी माया से विमोहित होकर कई बार आपके इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। तो जीवात्मा के उपाधि आवरण के पीछे जो आप छिपे हुए हैं, मैं आपकी इस माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आज के सत्र में मंगलाचरण के पश्चात हम लोग श्रवण करेंगे स्कंद 12 अध्याय 9 में कि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा अनुरोध किए गए इस प्रस्ताव का नर नारायण ऋषि कैसे उत्तर देते हैं। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत श्रण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यंतस्थो ये भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
श्रीमद्भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 640 640 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 12 अध्याय 9, अध्याय 9 जिसका नाम है मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। सुतुवाच संस्तुतो भगवान इत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नर सख प्रीताः भृगु उद्वहम्। सूत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडेय द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए, अतः वे उन श्रेष्ठ भृगुवंशी से बोले। तो जहां हमने पिछला अध्याय समाप्त किया था, वहां हमने श्रवण किया कि कितने सुंदर शब्दों में जीव को आसानी से समझ में आ जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए मार्कंडेय ऋषि ने नर नारायण ऋषि की उपस्थिति का कृतज्ञता पूर्वक सुंदर शब्दों में वंदन किया है। किस प्रकार वो बतलाते हैं कि जीव आपकी माया के प्रभाव से इस जगत में आपके साथ के मूल संबंध को भूलकर भगवान सभी प्रकार के कृत्यों में प्रवृत्त रहते हुए आपकी सेवा से स्वयं को निवृत्त रखता है और यही उसके बंधन का कारक हो जाता है। नर नारायण ऋषि मार्कंडेय ऋषि के सुंदर शब्दों को श्रवण करके प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यो श्री सिद्धात्म समाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपस्वाध्याय संयमे। भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थित करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेद अध्ययन एवं विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया है। तो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भगवत भक्ति में अपने आप को स्थिर करते हैं वो परम सिद्धि, परम सफलता को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। वह इस जगत के अनेकानेक साध्य और असाध्य सुख और दुख के चक्र से अपने को मुक्त कर चुके होते हैं। और प्रसन्न भगवान ने मार्कंडेय ऋषि से कुछ वर मांगने के लिए कहा। कहा, वयम् ते परितुष्टा स्म त्वद्बृहत्प्रचर्यया वरम प्रतीक्ष भद्रम ते वरदोऽस्मि त्वदीप्सितम्। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतया तुष्ट हैं, अब जो वर चाहो चुन लो क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। यहाँ वयम् ते परितुष्टास्म, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि वास्तव में जब नर और नारायण भगवान श्री हरि के ये दो स्वरूप वहां उपस्थित हैं तो केवल ये दो नहीं है, क्योंकि ये बद्रिकाश्रम, ये हिमालय की चित्रा चोटी के समक्ष का प्रसंग का विषय है। यहाँ पर वास्तव में अन्य महान विभूतियां भी उपस्थित हैं और आगे इसी कथा के क्रम में हमें पता चलेगा कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती देवी उमा भी उपस्थित है। भगवत कृपा प्राप्त करने पर इस जगत के अन्य समस्त प्रतिनिधियों के द्वारा जीव की स्वीकार्यता हो जाती है। इसलिए वृक्ष को यदि हम पुष्पित पल्लवित करना चाहते हैं, यदि आध्यात्मिक वृक्ष को हम पुष्पित पल्लवित करना चाहते हैं, तो हमें जड़ को सिंचित करना चाहिए। जड़ से जब पोषण प्राप्त होता है तो वृक्ष का हर पत्ता और हर लता, हर पुष्प और हर फल लहलाता है। और वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि भगवान प्रसन्न है इसलिए सभी मार्कंडेय ऋषि पर अत्यधिक प्रसन्न है। ये श्रवण करने के पश्चात कि भगवान प्रसन्न है और कुछ वर मांगने के लिए कह रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, श्री ऋषि उवाच जितम ते ते व देवेश प्रपन्नार्ति हरोच्युत वरेण तावतालम नो यद्भावान समदृशत। ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं।
आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। वास्तव में चाहे हम सकाम भाव से भगवान की उपासना करें, चाहे निष्काम भाव से उपासना करें, भक्तों का अनुभव है, भक्तों का प्रामाणिक कथन है कि हम जिस भी भाव से आरंभ करें, यदि भगवत कृपा हो गई, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, भगवत दर्शन हो गए जीवन में, तो उसके बाद की समस्त इच्छाएं गौर लगने लगती हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव में हमने ये देखा है, और मन्वंतरों तक तपस्या करने वाले मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। तो परम तुष्टि, हम इस जगत में जो भी कर रहे होते हैं वो स्वयं को तुष्ट करने के लिए होते हैं, और आचार्य कहते हैं परम तुष्टि भगवान को तुष्ट करने में होती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव को ये आश्रय होना चाहिए, ये ढांढस होना चाहिए कि भगवत कृपा से जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलता समयांतर पर स्थापित हो जाएगी। पर इस प्रयास में हम अपनी साधना को, हम अपनी भगवत भक्ति को, भगवान के प्रति समर्पित सेवा को त्याग ना करें। कहते हैं सुंदर वंदन करने के पश्चात कि आपने अपना दर्शन कराया, और ये शरणागति का स्तर है। कहते हैं शब्द प्रयोग हुआ यहाँ पर, आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी। अभी हमने जो अनुवाद पढ़ा उसमें क्या लिखा है, आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। अर्थात भगवान की कृपा के बिना तो जीव भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। आपने मुझे अनुमति दी भगवान, ये आपके द्वारा जो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 5 में, गृहीत्वा अजादयो अस्य श्रीमत् पादाब्ज दर्शनम् मनसा योग पक्वेन स भवान् मे क्षि गोचर। ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए। तो मार्कंडेय ऋषि स्वयं में साधारण नहीं है, सर्वोच्च भृगुवंशियों में कहे जा रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जैसे उच्च देवताओं को परिप्रेक्ष्य में लाकर मार्कंडेय ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में जो भी प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, वे भी भगवत कृपा से ही भगवान के श्री चरणों का दर्शन पाकर ही अपने कार्यों को संपादित कर पा रहे हैं। एक और दूसरा यहाँ पर आचार्य भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी को तो आपके चरण कमल के दर्शन हुए थे, मैं तो आपका पूरा शरीर देख पा रहा हूँ। तो अपने सौभाग्य की हद की कल्पना तक नहीं करने की ये उनकी विनयशील प्रस्तुति है। वामन अवतार में भी हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए। यहाँ तक कि जब भगवान ने घोषणा की, हमने स्कंद 10 के आरंभ में श्रवण किया, जब देवताओं, भगवान शिव सबके समेत ब्रह्मा श्वेत द्वीप के पास भगवान से उपासना कर रहे हैं कि पृथ्वी के इस भार का हरण करें भगवान, तब भी उल्लेख आता है कि देवताओं को दर्शन नहीं हुए थे भगवान के। इसलिए जब जब भगवान कोई कृत्य करते हैं तो देवता आकाश में उपस्थित होकर दुंदुभी बजाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, नृत्य गायन करते हुए अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। वहां भी देवताओं को दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित परमात्मा ने उनको बोध कराया कि अब आप सब इस कार्य में सहयोग करने के लिए विभिन्न स्वरूप धारण करके उपस्थित हो, मैं अनुकूल समय आने पर अपनी इच्छा से व्रजमंडल में प्रकट होऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं मार्कंडेय ऋषि कि ब्रह्मा जी को आपके चरण कमल के दर्शन होते हैं और मुझे आप पूरे प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही जो देव ही नहीं, अभी तो दानवों में भी, असुरों में भी जो प्राणी हैं, हमें कथाएं सुनते सुनते उन्हें सामान्य निकृष्ट अधोगति को प्राप्त ऐसे नहीं समझना चाहिए, वो भी भगवान की सेवा में सहायक जीव होते हैं। आगे उल्लेख कर रहे हैं श्लोक संख्या 6 में, अथापि अम्बुज पत्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणि द्रक्षे मायां ययालोक सपालो वेत सद्विदाम। हे कमलनयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण मानते हैं।
आगे इस अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा जो अनुभव किया जाएगा इस अनुरोध के पश्चात, उसको श्रवण करने के बाद हम में से कोई भगवान से नहीं कहेगा कभी शायद कि भगवान हम आपकी माया शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि 6 मन्वंतर तक भगवान की उपासना करते हैं। इंद्र अपने समस्त दल और बल के साथ मार्कंडेय ऋषि की तपस्या नहीं भंग कर पाया, तो मार्कंडेय ऋषि ये साहस कर सकते हैं कि वो कह सके भगवान से कि मैं आपकी माया देवी के दर्शन करना चाहता हूँ। हम सामान्य जीव प्रतिदिन जितनी माया का दर्शन कर पाते हैं, हम उतने को संभालने में सक्षम नहीं है। और यहाँ पर बद्ध जीव जो भौतिक जगत को स्वतंत्र और पृथक मानकर व्यवहार कर रहा है, उसको एक सिद्धांतिक रूप से एक अंश मात्र, जैसे अग्नि के भयानक दावानल में एक चिंगारी हो, उस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि के माध्यम से भगवान दर्शन करा रहे हैं कि वो कौन सी भगवान की मोहिनी शक्ति, माया शक्ति है जो जीवों को मोह में डाल देती है। तो जब सुत गोस्वामी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि जब मार्कंडेय ऋषि ने उन माया देवी के दर्शन की बात की है, तो भगवान ने क्या कहा, सुत उवाच इति ईडितो अर्चित काममृषणां भगवान मुने तथेति सस्मयन प्रागात बद्री आश्रमम ईश्वर। सुत गोस्वामी ने कहा, हे विज्ञ शौनक, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया, तथास्तु। और तब बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया चले गए। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान मुस्कुरा दिए और कहे तथास्तु, और तब बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया भगवान चले गए। तो वहीं पर हैं, उसी समान धरातल पर हैं कथा रूप में। और ये कई बार जब हमारे जीवन में कोई विज्ञ व्यक्तित्व होता है, कोई विद्वत जन होता है, तो हम उसे सामान्यतया बहुत साधारण स्तर पर ले लेते हैं। अच्छा, इनको इनको तो हम जानते हैं, इनसे तो हम मिले हैं, इनको तो हमने देखा है, इनको तो हम सुनते हैं, और हम उस स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे संबद्ध नहीं हो पाते। पर मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा नहीं कहा। दोनों हिमालय की चोटी पर निवास कर रहे हैं, पर मार्कंडेय ऋषि नर नारायण ऋषि की आध्यात्मिक और स्वाभाविक स्थिति के संदर्भ में भ्रमित नहीं है। इसलिए नर नारायण ऋषि ने उनके ऊपर विशेष कृपा की है और बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया चले गए हैं। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि ये जानते हुए कि मार्कंडेय ऋषि पर क्या बीतने वाली है, भगवान अपनी माया शक्ति दिखाने की तैयारी करते हुए हंसे हैं। भगवान की माया शक्ति देखने की उत्सुकता से लिखते हैं आचार्य कि कभी कभी पापपूर्ण भौतिक इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है, तो भी अपने भक्त मार्कंडेय को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पिता जो अपने पुत्र को किसी भी स्तर पर हानि नहीं पहुंचाना चाहता, तो भी पुत्र द्वारा हानिप्रद इच्छा व्यक्त किए जाने पर वो उसे कुछ समय तक कष्ट भोगने देते हैं ताकि वह अपने आप उस इच्छा से विरत हो सके। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, भगवान की ये हंसी यहाँ पर किंचित खेदपूर्ण हंसी है, क्योंकि भगवान चाहते थे और चाहते हैं और हमेशा ही अपने भक्तों के लिए यही चाहते हैं भगवान, कि उनके भक्त भगवान की माया शक्ति से दूर रहें। पर यहाँ पर जैसे किसी पुत्र द्वारा, संतान द्वारा पिता से अपनी आंशिक हानि करवाने के प्रयास में कुछ बात मनवाई जाए, वैसे यहाँ पर संकेत किया गया है कि मार्कंडेय ऋषि ने जो माया देवी का प्रभाव देखने का निवेदन किया है वो है। इसलिए भगवान वहां से प्रस्थान भी कर जाते हैं, उन्हें पता है मार्कंडेय ऋषि पर क्या देख
बीतने वाली है। आगे श्लोक संख्या 8 और 9 में कह रहे हैं, तम एव चिंतयन अर्थम ऋषि स्वाश्रम एव स वसन अग्नि अर्क सोम अम्बु भूवायु आत्मसु। तम एव चिंतयन्नर्थम ऋषि स्वाश्रम एव स वसन अग्नि अर्क सोमाम्बु भूवायु वियतात्मसु। ध्यायन सर्वत्र च हरिम भावद्रव्य अपूजयत क्वचित पूजाम विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुत। मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी वायु बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम कुटिया में निवास करते रहे, किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते थे। तो अभी कोई क्रम नहीं आरंभ हुआ है वास्तव में। अभी यहाँ इस श्लोक से आचार्य कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और कभी कभी जब वे भगवान का दर्शन ये जानने के लिए करना चाहते थे कि भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, ये श्रवण करने पर हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए कर रहे थे, जैसा पिछले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत कर रहे हैं। ये इस अर्थ में है कि जीव सारा प्रयास करता है इस माया के प्रभाव से दूर जाने के लिए, और मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो एक दिन दर्शन करना चाहते हैं कैसा होता है, और भगवान इच्छा अवश्य पूरी करेंगे अपने भक्तों की। इसलिए श्लोक संख्या 10 में उल्लेख आता है, तस्य कदा भृगु श्रेष्ठ पुष्प भद्रा तटे मुने उपासीनस्य संध्यायाम ब्रह्मन् वायु अभुन महान। हे ब्राह्मण शौनक, हे भृगु श्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्प भद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे तो सहसा तेज वायु चलने लगी। तम चंड शब्दम समुदीरयन्तम् वलाहकान्वभवन् कराला अक्षस्थविष्टा मुमुचुस्तदिद्भिः स्वनन्त उच्चैर्भिवर्षधारा। उस वायु ने भयंकर शब्द उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली तथा गर्जना थी और जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। तो पहले वायु चलना आरंभ हुई, सभी दिशाओं से भयंकर शब्द उत्पन्न लगे। वायु शब्द के लिए जो हम स्थूल और सूक्ष्म की बात करते हैं, वहां वायु शब्द ध्वनि की बात कर रहे हैं, और इतनी बिजली और गर्जना आई कि मूसलाधार वर्षा होने लगी। और संध्या समय का वंदन करने के लिए बैठे अचानक हम कल्पना करें, अपने आप को मार्कंडेय ऋषि के स्थान पर रख के सोचे कि चारों दिशाओं से हवाएं चलने लगी, मूसलाधार वर्षा देखते देखते होने लगी। इतना ही नहीं, ततो व्यदृश्यन्त चतु समुद्रा समन्त तक्ष्मातलमाग्रसन्त समीर वेगोर्मि भी उग्र चक्नक्र महाभयावर्त गभीर घोषा। तब सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए जो वायु से उछाली गई लहरों से पृथ्वी की सतह को निगल रहे थे। इन महासागरों में भयानक मगर थे, भयानक भवरे थी तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा था। तो अब इतनी गर्जन के साथ यदि चारों महासागर उपस्थित हो जाएं तो उनके भीतर निवास करने वाले जो जीव हैं वो सभी भी वायु में उछल उछल कर दृष्टिगोचर होने लगे, पृथ्वी की सतह निगली जाने लगी। अभी हम यदि वर्षा को जब हम नापते हैं तो सेंटीमीटर में होते हैं, और यदि कुछ एक सेंटीमीटर वर्षा हो जाए तो बाढ़ की स्थिति, जो एक निश्चित है सेंटीमीटर में जो बांध का पानी होता है उसको हम नाप के रखते हैं, मीटर की बात नहीं हो रही है, और उतने में यदि एक निश्चित सेंटीमीटर से ऊपर जल का संचय हो जाए तो कई बार बांध का पानी खोलना पड़ जाता है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि ऐसी लहरें उठ रही थी कि अमांगलिक गर्जन भयानक भौरे उसमें भव समुद्र में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया। ऋषि ने क्या देखा, श्लोक संख्या 13 में उल्लेख करते हैं,
अंतर बहिश्चात भी अति द्युभिक्खरे शत्याधा भी उपतापितं जगत चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनि जलाप्लुतांश्माम् विमना समत्र सत। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा जो तेज वायु बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर तक उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से सताए जा रहे थे। ज्यों ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई वे उदास तथा भयभीत हो उठे। संध्या वंदन करने के लिए हम बैठे हों और अचानक से तेज वायु चलने लगे, चारों ओर से दिशाओं में गर्जन होने लगे। देखते ही देखते पानी की लहरें आने लगे और लहरें इतनी ऊपर ऊपर तक उठने लगे कि समुद्र में रहने वाले जीव हमें हवा में उछाल लेते हुए दिखने लगे। और जब ये क्रम बढ़े तो बढ़ने के इस तदंतर परिणाम में हम स्वयं को ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देख रहे हैं जो लहरों के उछलने आने और जाने के साथ अंदर और बाहर होते हुए दिख रहे हैं। कभी वो बाहर लहरों के इस भंवर में दिख रहे हैं, कभी लहरों से बाहर उछाल दिए जा रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि जो 6 मन्वंतर तक तपस्या कर सकते हैं वो निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये तो ब्रह्मांड के निवासी, केवल पृथ्वी के निवासियों की बात नहीं हो रही है, विभिन्न लोकों के प्राणियों को उन्होंने देखा और उनके देखते देखते पृथ्वी जलमग्न हो गई, वे उदास और भयभीत हो उठे हैं। कह रहे हैं अगले श्लोक में, तस्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मि भीषणा प्रभञ्जना घूर्णितवा महार्णव आपूर्यमाणो वर्षद्भ्यम्बुधे श्मामप्यथाद्वीपवर्षाद्रिभिः समम्। मार्कंडेय के देखते देखते बादल से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही जिससे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया है। तो अब धराधाम पर कुछ शेष नहीं है, जो पृथ्वी पर गहरा भाग है वो सागर है, जो उठा हुआ भाग है वो द्वीप जहाँ पर प्राणी निवास कर रहे हैं। पर द्वीपों तक नहीं रुका ये, पर्वतों और महाद्वीपों तक जल का अंधड़ भयानक लहरों के द्वारा ढक लिया गया है। आगे उल्लेख करते हैं, सक्ष्मांतरिक्षम सदिवम सभागणम त्रैलोक्यमासीत सह दिग्भिराप्लुतम स एक एवो वरितो महामुनि बभ्राम विक्षेप्य जटा जड़ांधवत। जल ने पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को आप्लावित कर लिया। निसंदेह सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडेय ही बचे थे। उनकी जटाएं इधर उधर बिखर गई थी और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे मानो मूक तथा अंधे हों। देखते देखते सभी ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के निवासी जो दृश्यमान थे वो सब अदृश्य हो गए हैं। पृथ्वी से उठा हुआ जल का ये अंधड़ अंतरिक्ष स्वर्ग और स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर के स्थानों को आप्लावित कर चुका है। और अचानक महामुनि ये अनुभव करते हैं कि वास्तव में इस पूरे जलमग्न दृश्य में एकमात्र वे ही बचे हैं, बिल्कुल निसहाय निरुपाय और बिना किसी आश्रय के मूक और अंधे की भांति, न कुछ देख पा रहे हैं न कुछ समझ पा रहे हैं। जहां जहां तक उनकी इंद्रियां साथ दे पा रही हैं सिर्फ पानी का भयानक आवरण ही उनको दृश्य है। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, श्रितोत्परी तो मकरेति मिंगले रूपद्रुतो वीचिनभस्वताहत तमस्य पारे पतितो भ्रमन दिशो न वेद खम्गाम च परिश्रमेशेत। भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरो तथा तिमिंगल
मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से ग्रस्त वे उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे जिसमें वे गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। इतना विशाल जल का प्रवाह और आवरण कि पृथ्वी और आकाश के बीच कोई अंतर नहीं बचा, कोई आश्रय नहीं, कहीं कुछ पकड़ नहीं सकते, कहीं स्थिर नहीं रह सकते। निरुपाय होकर उल्लेख आ रहा है कि दैत्याकार मकरों और तिमिंगल मछलियों द्वारा हमला किया जा रहा है उनके ऊपर। वायु के प्रवाह से और लहरों से त्रस्त हो गए हैं, वो निरुद्देश्य घूम रहे हैं, कहाँ आश्रय ले कोई छोर नहीं है, और जब बहुत थक गए तो दिशाओं की भी सुधि नहीं रही। श्लोक संख्या 17 और 18 में इस अत्यधिक दयनीय दशा का उल्लेख है। कह रहे हैं, क्रचिन मग्नो महावर्ते तरले ताड़ित क्वचित यादो भी भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघाति भी क्वचित् शोक्षम क्वचिन् मोहम क्वचित् दुःखम सुखम भयम् क्वचिन् न मृत्युम अवाप्नोति व्याध्यादि भी रुतार्तितम्। कभी वे भारी भंवर में फंस जाते, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से आशंकित हो उठते, कभी उन्हें शोक मोह दुख सुख या भय का अनुभव होता, तो कभी उन्हें ऐसी भयानक बीमारी तथा पीड़ा का अनुभव होता जैसे कि वे मरे जा रहे हो। वास्तव में इस जगत में ये सब लहरें, अंधड़, ये थपेड़े, ये गर्जन, इन सब के बिना भी एक बंद कमरे में एक स्थान पर बैठे हुए माया देवी के प्रभाव से जीव की स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है जैसे कि मरे जा रहे हैं। जो यहाँ पर प्रकट रूप से मार्कंडेय ऋषि अनुभव कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है ये हमारे लिए अत्यधिक संकट कर सकते हैं, कभी ऐसा लगता है इसके द्वारा हमारे जीवन का समस्त उद्देश्य, समस्त सुख चैन ही छीन लिया गया है। इसका प्रकट अनुभव है ये मार्कंडेय ऋषि को। कभी भारी भंवर में फंसे हुए, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते हुए, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण से, और कभी उनके द्वारा निगले जाने से ऐसी समस्या आ जाए जीवन में कि लगे कि अब तो कोई समाधान ही नहीं है। इसका जो अप्रकट रूप है, जो मार्कंडेय ऋषि अभी अनुभव कर रहे हैं, ये प्रकट रूप है। वास्तव में जीव की गति इस जगत में इसी रूप में रहती है, पर इस प्रकार प्रकट रूप में जल वायु पृथ्वी और आकाश के ऊपर उछाले लगाते हुए ऐसी प्रकट स्थिति में नहीं दिखता, पर कैसा दिखता है? शोक मोह दुख सुख भय के अनुभव से। कभी ऐसी भयानक बीमारी तथा पीड़ा का अनुभव होना जैसे मरे जा रहे हो। तो जो कुछ जीव सामान्य अवस्था में, जब लगे, जब पृथ्वी सूर्य वायु जल आकाश तो स्थिर लग रहे हैं, पर जीव की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, वो मार्कंडेय ऋषि की समय प्रत्यक्ष स्थिति थी। कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, अयुतायुत वर्षाणाम सहस्राणि शतानि च व्यतियो भ्रमतः तस्मिन् विष्णु मायावृतात्मनः। मार्कंडेय ऋषि को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए, उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित था। तो जैसे जीवों को 84 लाख योनियां बीत जाती हैं, विचार करने की बात है, 0.4 मिलियन, 4 लाख तो प्रकार के तो मनुष्य, 30 लाख प्रकार के कीट पतंग, लाखों प्रकार के पशु, लाखों प्रकार के पक्षी, ये सभी अनेक अनेक योनि, और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि करोड़ों वर्ष तक घूम रहे हैं। जैसे जीव अनेकानेक योनियों में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः और पुनः जन्म और मृत्यु के इस आवरण में रहते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी स्थान पर बार बार हम प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित है।
श्लोक संख्या 20 में उल्लेख कर रहे हैं। स कदाचित् भ्रमंस्तस्मिन् पृथ्वी या ककुदी द्विच न्याग्रोधपोतम ददृशे फल फल पल्लव शोभितम। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटा टापू द्वीप देखा, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसमें फल फूल लगे हुए थे। अगर भौतिक जगत में देखें तो कहीं कभी अनेकों प्रकार के दुर्दांत जी मनुष्यों के बीच में, जीवों के बीच में, घटनाओं के बीच में, स्थितियों के बीच में, हमें कहीं कोई एक सुंदर मधुर भगवान का शब्द गायन, कहीं प्रसाद के रूप में कृपा, कहीं दर्शन के रूप में कृपा, कहीं किसी भक्त के संग के रूप में कृपा दिखे। वैसे ही करोड़ों वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात मार्कंडेय ऋषि को एक टापू दिखा। कैसे संभव है ये? एक टापू दिखा जहाँ बरगद का पेड़ खड़ा था और जिस पर फल फूल लगे थे। और क्या देखा वहां उन्होंने उस टापू पर? श्लोक संख्या किसमें कहते हैं, प्राक उत्तरस्याम शाखायाम तस्यापि ददृशे शिशुम शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभयातम। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। तो उत्तर पूर्व की शाखा में पत्ते के भीतर एक शिशु, और शिशु का तेज जो प्रकाश निर्गत हो रहा था शरीर से, वो अंधकार को भी लील रहा था। कहते हैं आगे के श्लोक में, महामरकत श्याम श्रीमद्वदन पंकजम कंबुक ग्रीवम महोस्कम सुनसम सुंदर भ्रुवम श्वासे जदल काभातम कम्बु श्री कर्ण दाणिवम विद्रुमाधर भाषेश शोणायित सुधास्मितम पद्मगर्भारुणापांगम यद्यहासावलोकनम श्वासे जलद्विसंविघ्न निम्ननाभिदलोदरम चार्वंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेन्द्रो दयन्तं वीक्ष्य विस्मितम। बालक का गहरा नीला रंग निष्कलंक मरकत जैसा था। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था और उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थीं। उसका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे, जिसके भीतर के वलन शंख के घुमावों जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे और मूंगे जैसे होठों का तेज उसके मुखमंडल की सुधामयी मोहनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता, उसके सुंदर बाल हिलते थे और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते वलनों से विकृत होती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य से आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था, जो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर अंगुलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। तो प्रलय की ये जो घटना होती है, जब भी आचार्य इसे श्रवण करते हैं, वो जीव को स्मरण कराते हैं कि इस दुर्दांत जगत में जब किसी भक्त का आश्रय प्राप्त होता है, तो ऐसा लगता है कि नील ले जाने वाले, लील लेने वाले भयंकर समुद्री जीवों के बीच में कोई आश्रय देने के लिए आ गया हो। विचार करके देखा जाए तो जहां करोड़ों वर्षों से भ्रमण करते रह गए मार्कंडेय ऋषि, वहां कोई द्वीप, बरगद का वृक्ष और उस पर इस प्रकार का सुंदर चिंतन करता हुआ शिशु कैसे दृष्टिमान हो सकता है? तो एक ये सुंदर चित्र है, मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि पूरे बरगद के वृक्ष की एक डाल पर कहा गया है कि ये उपस्थित है।
स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर साथ ही साथ कहते हैं कि ये शिशु और कोई नहीं, वास्तव में हमें इस बात का भ्रम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि ये कोई और है। ये कौन है? ये स्वयं श्री भगवान है। भगवान ने कहा, जो भक्तगण मेरे चरण कमल के अमृत दर्शन के लिए इतने लालायित रहते हैं, उसका एक बार मैं सुंदर पान स्वयं क्यों ना करूं। तो इस अर्थ में यहाँ पर अपने ही अंगूठे को चूसते हुए भगवान दिख रहे हैं। तो ये वो दर्शन बताते हैं आचार्य कि एक पैर का अंगूठा भगवान ने अपने मुंह में रखा है और दूसरा चरण उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की ओर बढ़ा दिया है। तो भगवान भक्त के साथ जो भाव विनिमय करते हैं उसके एक अंश का अवलोकन यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को अब हुआ है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, तद्दर्शनात्पि परिश्रम मुदा प्रोत्फुल्ल ह्यत्पोल्मविलोचनाम्बुज प्रहृष्ट रोमाद्भुत भाव शंकित प्रष्टुम पुरस्तम प्रससार बालम प्रष्टुम पुरस्तम प्रससार बालकम। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा, उनकी सारी थकान जाती रही। निस्संदेह उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच हो आया। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उसके पास पहुंचे। सोचने की बात है कि जैसे ही मार्कंडेय ऋषि को इस बालक के दर्शन हो रहे हैं, जिन लहरों में, जो आकाश तक उठने वाली लहरें थी, उनमें कैसे इतनी शांत चित्तता आ गई कि मार्कंडेय ऋषि उस बालक का रुककर दर्शन कर पाए और उसके पश्चात अब वो पहचान करना चाहते हैं। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जब ऐसी अनेकों प्रकार की अवांछित गतिविधियां हो रही होती हैं और उसमें यदि हमें कहीं भगवत नाम श्रवण करने को मिल जाए, भगवान का प्रसाद मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, तो हमें उस एक आश्रय को जितनी दृढ़ता से हो सके उतने दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर होता है भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध पुनः जागृत करने का। कहते हैं श्लोक संख्या 27 में, तावक् शिशोर्वै श्वसितेन भार्गव सोऽन्तः शरीरं मशको यथाविशत् तत्राप्यदोन्यस्तमचष्टकृत्स्नशो यथा पुरामो यदतीव विस्मितम्। तभी उस शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उसके शरीर के भीतर खींच गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय की पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित तथा मोहग्रस्त हो गए। तो पहले तो बाहर दिख रहा था इतना सब कुछ, और जब मार्कंडेय ऋषि किसी प्रकार उस शिशु के निकट पहुंचते हैं तो शिशु की श्वास मात्र से मार्कंडेय उसके शरीर के भीतर चले गए हैं शिशु के। और वहां तो उन्होंने देखा कि जैसा इस प्रलय से पहले का दृश्य था वही दृश्य यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा अकल्पनीय घटित हो रहा है, सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित है, और ये तो और अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि अपने आप को मोहग्रस्त अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 28 और 29 में, कम रोदशी भागणान द्रिसागरान द्वीपान सवर्षान ककुभ सुरासुरान वनानि देशान सरित पुराकरान खेटान व्रजानाश्रमवर्ण वृत्तय महांति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालम च नाना युग कल्प कल्पनम यत्किंचिदन्यदव्यवहार कारणम ददर्श विश्वम सदिवावभासितम। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर,
तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जन, वन देश नदियां नगर तथा खाने, खेतिहर गांव तथा चरागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। कभी कहीं हमें ऐसी अकल्पनीय कहानी सुनानी हो तो वास्तव में मार्कंडेय ऋषि की यह प्रलय की कहानी भी, एक दिन संध्या वंदन करने के लिए बैठे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बिजली, अंधड़, तूफान चारों दिशाओं से, अचानक इतना तेज गर्जन होने लगा जैसे सारे महाद्वीपों को लील लेने वाले समस्त सागरों का जल आकाश तक की ऊंची ऊंची लंबी लहरों के साथ उपस्थित हुआ। उस लहरों में क्या देखा हमने? अनेकानेक प्रकार के जल जीवों को देखा, जो अचानक से मार्कंडेय ऋषि को अन्य लोगों के जीवों का दर्शन कराते कराते निकलते चले गए, और बचे हुए जीव के रूप में एकमात्र मार्कंडेय ऋषि बचे, जिन्हें कोई आश्रय नहीं दिख रहा है। कहाँ रुके, कहाँ अपनी थकान मिटाएं? और करोड़ों वर्ष बीतने के पश्चात अचानक कोई द्वीप दिखा, जहाँ बरगद के वृक्ष की एक डाल पर, एक पत्ते में शिशु दिख रहा है, जो आराम से अपने पैर के एक अंगूठे को चूस रहा है, और दूसरे पैर मार्कंडेय ऋषि की ओर संकेत कर रहा है। मार्कंडेय ऋषि निकट आकर पहचान करना चाहते हैं, तो शिशु के द्वारा ली गई श्वास में उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां देखते हैं तो जहां करोड़ों वर्षों से वो थपेड़े खाकर अभी उपस्थित थे, वो सारा दृश्य अब अपने पूर्ववत स्वरूप में पहुंच गया, जहां सभी प्रकार के वन, देश, नदियां, नगर, द्वीप, महाद्वीप, पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर सुव्यवस्थित रूप से हैं। समाज, वर्ण, आश्रम, सृष्टि के मूल तत्व, खेतिहर गांव, चरागाह, खाने, सब कुछ यथारूप में दिख रहा हो। और अचानक से उस शरीर के भीतर प्रवेश करने के बाद जो आश्चर्य करने वाला है, वहां काल के दर्शन हो रहे हैं, जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो नियंता है, उनके दिनों को नियमित करने वाले असंख्य युगों को संचालित कर रहे हैं। भौतिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं दिख रही हैं, और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सत्य है। तो मार्कंडेय ऋषि निश्चित रूप से विचार करेंगे, जो इस शरीर में प्रवेश करने से पहले देख रहा था वो सत्य है, या जो यहाँ पर इतना सुव्यवस्थित है ये सत्य है? इनमें से सत्य क्या है? श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, हिमालयम पुष्पवाहां चतां नदीं निजाश्रमं यत्र ऋषि अपश्यत् विश्वं विपश्यक्ष्वसिताक्षिशोर्वे बहि निरस्तो न पतल्ययाब्धो। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपनी कुटिया देखी, जहां उन्होंने नर नारायण ऋषियों के दर्शन किए थे। तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली, तो ऋषि उसके शरीर से बाहर ढकेल दिए गए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। तो जो नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम, अपने आश्रम में चले गए थे, उन्होंने भगवान, वो भगवत स्वरूप है, उन्होंने अपने भगवान स्वरूप को पुनः मार्कंडेय ऋषि को एक और अवसर दिया अनुभूत करने का। बाहर के प्रलय सागर से भीतर लिया, भीतर सब सुव्यवस्थित दिखाया, और फिर जैसे श्वास में भीतर लिया था, वैसे ही प्रति श्वास में बाहर निकाल दिया। बाहर आके देखा तो सब कुछ प्रलय सागर का यथावत है। वो जब जो कुछ भी वो व्यवस्थित देख रहे थे, वो तो यहाँ पर अदृश्य है, कुछ है ही नहीं। कहते हैं, तस्मिन् पृथ्व्या ककुदी प्ररूढ़ वटम च तत्पर्णपुटे शयानम तोकम च तत् प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितोपांग निरीक्षणेन अथम दम बालम वीक्ष्यम नेत्राभ्याम दिष्टितम हिदि अभ्ययादति संक्लिष्ट परिष्वक्तुम मधोक्षजम। उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु को पत्ते के भीतर लेटा हुआ देखा। वह शिशु उनकी
उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। मार्कंडे ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत क्षुब्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने के लिए दौड़े। तो पहचान लिया है मार्कंडे ऋषि ने कि ये जो अपनी आंखों के कोरों से मुझे देखकर स्मित मुस्कान से आमंत्रित कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है। इनके अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। इस जगत में सभी थपेड़ों और झंझावातों के बीच जब जीव ये सोच पाता है कि इनके अतिरिक्त और कोई मेरा आश्रय नहीं है, किनके अतिरिक्त, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के श्री चरणों के बिना, भगवान के नाम सुमिरन के बिना, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वभाव है कि वो अपनी आस्था को, अपनी निष्ठा को कहीं ना कहीं बांध के रखता है। और ये प्रलय का संपूर्ण विवरण वास्तव में हमारी उस निष्ठा को भगवान के नेत्रों के कोर से, जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को आह्वान किया जा रहा है, वैसे ही प्रत्येक जीव को प्रतिदिन के इन झंझावातों में भगवान एक बार हृदय में स्थित होकर, जहाँ परमात्मा स्वरूप अधिष्ठित है, वो आमंत्रण अवश्य देते हैं कि आओ और अपने मूल स्वरूप को पहचानो। तो लिखा है, अत्यंत क्षुब्ध मार्कंडेय ऋषि ने भगवान का आलिंगन करने के लिए स्वयं को उनकी ओर दौड़ाया। तावत तावत स भगवान साक्षात योगधीशो गुहाशय अंतर्दध ऋषि सद्यो यथेहानी निर्मिताम। तभी भगवान जो कि योगेश्वर हैं तथा हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, ऋषि की आंखों से ओझल हो गए, जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं। तो भगवान की माया का दर्शन करना चाहते थे मार्कंडेय ऋषि, भगवान अपनी माया का दर्शन करा रहे। ऐसा लगा मार्कंडेय ऋषि को इस प्रलय सागर में फंसे होकर कि उन्होंने भगवान को पुनः प्राप्त कर लिया। तो जैसे ही वे उनकी ओर दौड़े, वो शिशु ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। अक्षम व्यक्ति की जैसे सारी उपलब्धियां विहीन हो जाती हैं सहसा, वैसे ही भगवान विलीन हो गए। पर भगवान विलीन होने के साथ अपनी कृपा करके गए हैं। श्लोक संख्या 34 में उल्लेख है, तम तमन्वथ वटो ब्रह्मन् सलिलम लोक संप्लव तिरोधाई क्षणातस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थित। हे ब्राह्मण, भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष, अपार जल तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए, और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। तो जीव के रूप में हम अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के परम आश्रय में रहें। वहां से हम दृष्टा की भांति ये देख तो सकते हैं कि जगत में क्या हो रहा है, और एक ओर हम देख सकते हैं इस जगत के बाहर रहते हुए या इस जगत में रहते हुए, पर जगत को भीतर प्रवेश न दे, क्योंकि जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय पकड़कर इस जगत को दृष्टा के रूप में देखकर व्यवहार कर रहे हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। और जब ये जगत हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, हम हर कार्य में स्वयं को कर्ता मांगने लगे, लोभ मोह क्रोध द्वेष की दृष्टि से इस जगत की सृष्टि में व्यवहार करने लगे, तब हम उस भयानक बंधन में फंस जाते हैं, जैसा यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने अनुभव किया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं आचार्य, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन शीर्षक 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अगले सत्र में कैसे भगवान शिव देवी उमा के दर्शन, उनसे वर प्राप्त करेंगे मार्कंडेय ऋषि, कैसे स्वयं भगवान शिव और उमा ऋषि का गुणगान करेंगे, और कैसे मार्कंडेय ऋषि की इस कथा के माध्यम से जीव को अपने तीनों प्रकार की जो काल की गति की अवस्था है उसके बीच अपने होने का बोध होगा, वो हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के साथ करीब यदि हम श्लोकों की संख्या का एक संक्षिप्त अवलोकन करें
तो स्कंद बारह अध्याय आठ की समाप्ति पर इस क्षमा की नर नारायण ऋषि की यहाँ पर स्तुति हुई। तो करीब 347 श्लोक यहाँ पर स्कंद बारह से हमने श्रवण किया। तो ये क्रम जिसमें हम सृष्टि के तत्वों को अभी सैद्धांतिक रूप से समझ रहे थे, वो यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि द्वारा व्यवहारिक रूप से कैसे अनुभूत की गई, तत्वों की उपस्थिति को जानना, वो भगवान से परे भी हैं और भगवान के से अभिन्न भी हैं, इसको इस प्रलय की कथा के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।